ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की जानकारी दी। जिस दिन संसद को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, उसी दिन तमिलनाडु से आए विद्वान सेंगोल पीएम को देंगे, जिसे संसद में स्पीकर के आसन के पास रखा जाएगा। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सेंगोल को स्वीकार किया था। अब एक बार फिर इतिहास दोहराने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। आज की इस वीडियो में हम आपको सेंगोल से जुड़ा इतिहास बताएंगे, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर नए संसद भवन में इसको क्यों रखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने से कुछ दिनों पहले पूछा था कि आप देश की आज़ादी को किस खास तरीके के प्रतीक के जरिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो माउंटबेटन के इस सवाल को लेकर पंडित नेहरू भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व गवर्नर सी राजगोपालाचारी के पास गए। राजगोपालाचारी मद्रास के सीएम रह चुके थे, साथ ही वो राज्य के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बखूबी समझते थे। उन्होंने बहुत विचार करके पंडित नेहरू को सेंगोल का नाम सुझाया। उन्होंने नेहरू को राजदंड भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में भी बताया। इसमें राज्य के महायाजक यानी राजगुरु नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करते हैं। परंपरा के अनुसार ये राजगुरु थ्रिवुदुथरे अधीनम मठ के होते हैं। श्री राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि आपके पीएम बनने के बाद माउंटबेटन को आपको ये राजदंड स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू इस पर राजी हो गए और लगे हाथ श्री राजगोपालाचारी को इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी दे दी। इसके बाद तमिलनाडु के सबसे पुराने मठ थ्रिवुदुथुराई से संपर्क किया गया। 20वें गुरु महासन्निथानम ने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। साथ ही उन्होंने एक जौहरी से सेंगोल बनाने के लिए कहा, जिसके बाद चांदी का सेंगोल तैयार कराया गया। मठ की ओर से ही एक दल को विशेष विमान से नई दिल्ली भेजा गया ताकि सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन तक पहुंचाया जा सके। 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने से ठीक 15 मिनट पहले राजदंड माउंटबेटन को दिया। इसके बाद उस पर पवित्र जल छिड़का गया। वहां शैव समाज के संदंत थिरुगनाना सावंथर द्वारा लिखे गए भजन गाए। इस दौरान उस्ताद टीएन राजथिनम ने नाद स्वरम बजाया था। कुमार स्वामी थंबीरन ने आधी रात में ही जवाहरलाल नेहरू के माथे पर तिलक करके उन्हें सेंगोल सौंप दिया था, जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बना। माना जाता है कि सेंगोल का पहले इस्तेमाल मौर्य समाज द्वारा 322 से 185 ईसवी पूर्व में मिलता है। इसे गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी, चोल साम्राज्य 907 से 1310 ईस्वी और विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी से भी जोड़कर देखा जाता है। इनके साम्राज्य में भी सेंगोल का उपयोग किया गया। ये भी माना जाता है कि मुगलों और अंग्रेजों ने भी सेंगोल का इस्तेमाल अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि अभी तक सेंगोल इलाहाबाद के संग्रहालय में था। सेंगोल के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं थी। ये हमारे देश की परंपरा का अहम अंग है। शासन, न्याय और नीति के अनुपम चले, ये इसका भाव है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंगोल हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास में कितना महत्वपूर्ण रोल रखता है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि ये सेंगोल आखिर होता क्या है। तो सेंगोल का मतलब होता है शंख। सेंगोल शब्द संस्कृति के शंकु से लिया गया है, जिसका मतलब शंख होता है। सेंगोल चांदी का बना हुआ एक दंड यानी डंडी है, जिसमें सोने का वर्क किया गया है। इसके शीर्ष पर नंदी विराजमान होते हैं, जो शक्ति, सत्य और न्याय के प्रतीक होते हैं। साथ ही इसके नीचे कुछ कलाकृतियाँ बनी होती हैं। अब तक सेंगोल नेहरू की सोने की डंडी के रूप में, सोने की छड़ी के रूप में जाना जाता रहा है। सेंगोल के निर्माण में शामिल और वुमिद्दी परिवार के दो सदस्य वुमिद्दी
एथियाजुलू और भूमिदी सुधाकर आज भी जीवित हैं। इसके अलावा जिन पुजारी ने पंडित नेहरू को ये सेंगोल सौंपा था वो 28 मई को होने वाले समारोह में भी उपस्थित रहेंगे। सेंगोल की नई वेबसाइट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 की भावना को दोहराते हुए वही समारोह एक बार फिर 28 मई 2023 को नई दिल्ली में संसद परिषद में दोहराया जाएगा। दिल्ली में इस अवसर पर तमिलनाडु के कई अधिनियमों के प्रणेता उपस्थित रहेंगे, वे अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे और कोलारू पदिगम गाएंगे। सेंगोल को गंगा जल से भी शुद्ध किया जाएगा जैसा कि पहले किया गया था, जिसके बाद इसे प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री को सौंप दिया जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नए संसद भवन में सेंगोल को रखा जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। हालांकि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने इस समारोह से बायकॉट करने का फैसला भी किया है। ये विरोध प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर हो रहा है, जिसको लेकर सभी विपक्षी दल सरकार को लगातार घेर रहे हैं। आज सुबह से ही ट्विटर पर SC ST विरोधी भाजपा ट्रेंड कर रहा है। राहुल गांधी ने भी इस मामले पर ट्वीट कर सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि भाजपाइयों द्वारा संसद के दिखावटी उद्घाटन से नहीं बल्कि वहां पर लिखे श्लोकों की मूल भावना को समझकर सभी को सुनने व समझने का बराबर अवसर देना चाहिए। सच्ची संसदीय परंपरा है जहां सत्ता का अभिमान हो परंतु विपक्ष का मान नहीं, वो सच्ची संसद हो ही नहीं सकती, उसके उद्घाटन में क्या जाना। इस मामले पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जिन भाजपाइयों ने पहले दलित राष्ट्रपति व उनके बाद पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का खूब ढिंढोरा पीटा था, उन्होंने जब नए संसद की नींव रखी गई तब तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। अब संसद भवन के उद्घाटन में वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को ना बुलाकर भाजपा सरकार दलित आदिवासियों का जानबूझकर अपमान कर रही है। इतनी आत्ममूर्खता ठीक नहीं कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति जिसमें निहित है उसे ही अनदेखा किया जा रहा है। सरकार शायद भूल गई है कि जिस संसद का उद्घाटन किया जा रहा है दोनों सदनों के साथ राष्ट्रपति अपने में उसका एक अंग हैं, जिसे संसद के सत्र आहूत करने की शक्ति प्राप्त है। उन्हें ही उद्घाटन में बुलाना ना बुलाना संविधान निर्माताओं की भावनाओं को आहत करना होगा। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि जो भाजपा देश में सर्वोच्च पद पर बैठे दलित आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों को मात्र सम्मान नहीं दे सकती, वो इन वर्गों के उनके अधिकार कभी नहीं देगी। इनकी सच्चाई अब सामने आ चुकी है, इसलिए अब हमारा ये समाज उनके बहकावे में ना आए, इस अपमान का अब वोट की चोट से इनको सबक सिखाए। बीजेपी इस पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है। हालांकि भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर ये जरूर कहा कि विपक्ष ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का ऐलान किया है क्योंकि पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। वो हवाला दे रहे हैं कि केवल राष्ट्रपति राज्यपालों को ही संसद विधानसभा भवनों का उद्घाटन करना चाहिए, ये उनके पाखंड को उजागर करने वाला एक सूत्र है। हमारे देश की संस्कृति में एक परंपरा सदियों से चली आ रही है कि अगर घर में कोई भी फैसला लिया जाता है या फिर किसी भी नए काम को किया जाता है तो हमारे घर में सबसे बड़े होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो घर के मुखिया होते हैं उनसे पूछकर कोई भी फैसला लिया जाता है, या फिर उस नए काम का उद्घाटन भी हम उनकी मौजूदगी में या फिर उनसे ही कराते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो विपक्ष कह रहा है, आपको क्या लगता है कि विपक्ष का जो बायकॉट करने का फैसला है वो ठीक है, या फिर जो सवाल सरकार से विपक्ष पूछ रहा है वो सवाल ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।